जाहिर है कोई अच्छी अच्छी बातें नहीं, यही आप कल शायद इनमें से कोई एक निकल के क्या कहेंगे, आपकी इंस्पिरेशन अहमद जई मुस्तफा जी जी मोहम्मद मुस्तफा हो सकता है इनमें से हम मुझ में से आपने कोई गया ही वाज अ गाय जिनके बाद इंस्पायर हुआ, या मैं उनसे एक मेरे दिमाग में क्लिक किए कोई निश कोई टॉपिक कोई था वो कोई चीज़। ये बहुत ज़बरदस्त वक्त है, तभी हम यहाँ पर बैठे हैं कुछ हासिल कर रहे हैं, जितना आप दे सकते दे डाले आज। कोई मसला हाँ जो आज मैं बैठा ही इसलिए था, ये ठीक मेरा पूरी लाइफ में ये फर्स्ट मेरा सेमिनार है इस तरह स्पीकर बैठा हूँ। बहुत अच्छा माशाल्लाह जबरदस्त। पहले मैंने सर सैयद में गया हूँ, सिर्फ वो इस तरह से था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की के बारे में थोड़ा बहुत बताना, सिर्फ मैं उस तरह से वहाँ पे गया था। वो भी मुझे किसी का सेमिनार था जिन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आके बताऊँ बस। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं ऐसे बैठा हूँ इतने अच्छे अच्छे भाइयों के बीच में और थोड़ी बहुत बात हो रही है, क्योंकि लोग मुझे फेसबुक पे वैसे भी बहुत मैसेज करते हैं एक और कि सवाल, आप ब्लॉगिंग ट्रेनिंग करा दें, आप ट्रेनिंग के पैसे ले लें, आपकी ट्रेनिंग फ्री है या पेड है। तो मैंने उनको हमेशा एक ही आंसर दिया है, मैं कोई ट्रेनिंग नहीं कराता। मैं सवाल पूछूं? जी, श्योर। अच्छा भाई साहब ये बताइए, आप अपने घर के आपके पेरेंट्स जैसे आम हमारे पेरेंट्स हम लोगों के बारे में सोचते हैं कि भाई या तो डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर है, कोई काम का धंधा करो, हम तो फिर ये समझ जाता है कि इंटरनेट मार्केटिंग या ब्लॉगिंग या ये दस ये काम नहीं है, ये एक काम का सोच। अच्छा जो लोग ये जानते हैं वो आपकी तरह के बहुत सारे लोग हैं, और खान वली खान साहब जैसे और बहुत सारे ऐसे जो छुपे हुए मंदिर आम पे नहीं, उनमें से एक आप भी थे, आप कह रहे हैं कि आज तक शेयर नहीं किए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अब शेयर कर रहा हूँ इसलिए कि इससे मुझे यकीन आप भी मोटिवेट होंगे, और ये जितने लोग हैं या जो जिन लोगों तक पहुँचेंगे बड़े सारे अच्छे लोग निकलेंगे, तो आपको ये सुनकर जा रही है जिस चीज़ का भला हो जाएगा। बिल्कुल अभी मैं इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना था, मैंने डिसाइड किया था कि मुझे कोई बिजनेस करना है, और काफ़ी पहले से कोई बैकग्राउंड था आपका बिजनेस का, उस वजह से इनहेरिट हुई थी या किस वजह से आपके जहन में ये थी कि सर मुझे भी ये नहीं करना, इसलिए आमतौर पर ये तासर होता है कि भाई डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर या MBA और दूसरी चीज़ें कर, तो क्या वजूहत थी जिनकी वजह, जैसे कि अगर मेरे वालिद या मेरे चचा मामू मैंने अपने गिरद नवा देखा कि सारे बिजनेस मैं नहीं करूँ, ऑटोमेटिकली चीज़ मेरे अंदर से उठी गया मुझे बिजनेस ही करना है। उस टाइम एक कुरान पाक में जिक्र है जिसका मफहूम कि मैं अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं कारोबार में 9 दरवाजे खोलता हूँ और मैं जॉब में 1 दरवाजा खोलता हूँ। तो ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती थी बिजनेस के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं आगे गया तो मेरे वालिद साहब कैटरिंग में उनकी वो बहुत बड़ी मेरी इंस्पायरेशन, टू बी ऑनेस्ट। बिजनेस बैकग्राउंड था उनका? नहीं मैं बताता हूँ, पहले उन्होंने वेटर से स्टार्ट किया, वो एक वेटर थे मेरान होटल, उन्होंने स्टार्ट लिया, आगे बढ़ते रहे अपनी मेहनत से उन्होंने बढ़ बढ़ के एक एशिया कैटर्स एंड डेकोरेट्स में जनरल मैनेजर काफ़ी साल काम किया। आमिर राजपूत के साथ भी पहले काम किया, फिर एशिया कैटर्स एंड डेकोरेट्स में वो एज अ जनरल मैनेजर काम किया। पर उन्होंने पता नहीं क्या उन्होंने अल्लाह ताला ने दिल में डाला ये क्या हुआ, तो उन्होंने वो छोड़ के कॉन्टैक्ट्स अपने बना के तकरीबन 15 साल किया जॉब्स की, उसके बाद अब अपना बिजनेस करते हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पायरेशन थी, एक ये चीज़, और एक वो जो मैंने आपको कॉल बताया, कॉल का मफहूम बताया, ये दो चीज़ें मेरे लिए एक इंस्पायरेशन, जिस वजह से मुझे बिजनेस का शौक था कि मैंने बिजनेस करना। भाई आप लोग भी सवाल करें, मतलब मैं तो सारे सवाल करता रहा हूँ, फेसबुक है ज्यादा सवाल नहीं है, बहुत बड़े ब्लॉगर बनना है आपके सवाल में, जवाब पेंडिंग है कि मैच किस तरह से लेट किया जाए। हाँ तो उनसे पूछिए ना सर, आपके सवाल जवाब पेंडिंग है, जवाब नहीं मिला आप पूछ लीजिए बता देंगे। मैंने सुने एडसेंस अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, होता नहीं है, वो आपने अप्लाई किया? हमारे जो ब्लॉगर्स में एक बहुत गलत बीमारी है, हम लोगों की एक ऑनलाइन वर्ल्ड है कि लोग बोलते हैं कि बस एडसेंस पे दुनिया खत्म है, जो भी है एडसेंस से कमाओ और बस एडसेंस से दुनिया खत्म है। एक मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है अमार परवेज, उसने आज तक एडसेंस यूज नहीं किया, एफिलिएट मार्केटिंग से उसने माशाल्लाह माशाल्लाह इतना कमाया है कि आज उसने रिसेंटली
जीरो मीटर निकाल के सिटी अपने जो फादर है उसे उन्हें गिफ्ट किया। तो ये गूगल एडसेंस और ये सब तो क्या नाम है उसका, इतने ट्रिकी वेज हैं, आप उसे भी ले सकते हो लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। जितना आपको एफिलिएट मार्केटिंग देती है, तो गूगल एडसेंस तो एक वो सिर्फ इसलिए था प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाया था। कुछ ऐसे नीचे होते हैं जिसमें आपको गूगल एडसेंस तो फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपका गूगल एडसेंस जो फिर इम्पोर्टेंट है, आप एफिलिएट से फिर अर्न नहीं कर सकते उन नीचे से। तो इस वजह से फिर गूगल एडसेंस आप यूज करो, नेवरदेलेस गूगल एडसेंस पे दुनिया खत्म नहीं है। सर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो उसके पैसे आप पाकिस्तान कैसे मंगाते? कोई भी बहुत सारे पैसे बाई यूनियन पे विड्रॉ करवाते हैं, पेपॉल है, आप उसे मंगवा सकते हैं। उसे वो मिल जाता है पाकिस्तान में, अगर आपके कोई भाई रहे तो आप उनसे बनवा सकते हो इजीली। कोई भी चीज, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अगर आपने ठान लिया ना कि मैंने करना है तो आपने करना है, फिर आप करके रहोगे। और आपने बोलना है यार ये कब सक्सेसफुल हो चुका है और मेरी दुकान कैसे चलेगी, ये तो चाय वाला चल चुका है, अब मेरा चाय वाला ढाबा कैसे चलेगा, तो फिर ये सोचते रहेंगे तो आपने क्या काम किया, फिर तो आप सोचते रहेंगे, फिर तो आप सिर्फ ड्रीमर है, डूअर नहीं है। ये भी एक भाई ने सवाल पूछा कि कोई अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट करने जा रहा है तो वो निश किस तरह सेलेक्ट करे? आपको किस चीज ने, आप मुझे सिर्फ इतना से जवाब दें, आपका किस चीज ने है कि मैं शौक, किस चीज का शौक है आपको? मेरा यानी कि मेरी जो फील्ड है, मैं ज्यादातर फाइनेंस वगैरह, फाइनेंस में स्टार्ट कर दो, सिंपल है, जिस चीज का आपको शौक है उस पे स्टार्ट कर दें। कितने साल में आप मास्टर बन गए हैं, यहां तक पहुंच गए मास्टर? आप कहेंगे अभी भी नहीं बना? लेकिन नहीं, मैं मास्टर कभी भी नहीं, मैं लर्नर हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अब कितने साल लगे, जैसे आपने कहा कि मैंने 2014, मैं थोड़ा लेट आया हूं, 2014 से आपने शुरू किया और उस वक्त आपको समझ आ गई, जैसे नहीं 2012 से, अच्छा उससे पहले आप सेल कर रहे थे, लेकिन आप कह रहे थे कि जितनी मेहनत की थी उससे कम पैसे ले जाता, लेकिन उस चीज का इल्म नहीं होता था मुझे बिल्कुल, और बड़े शौक से लोग ले भी लेते थे और बड़े खुशी खुशी लेते थे बिल्कुल। एक वक्त आया 2014 में, आपको इल्म हुआ कि नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तब मुझे जो है इसकी एक समझ करनी है और मुझे उन चीज़ों पर काम करना है जिस पर मैंने काम नहीं किया। अभी तो रैंडम हर जगह चल रहे थे, तो 2012 में जब आपने शुरू किया तो आपको एहसास था कि आप किसी को फॉलो करें या कोई गुरु या मेंटर? नहीं, या कोई भी नहीं, बस अपने उठाया कलम, बस ये था कि mohammadnyaz.blogspot.com था, तो उनको देख के ही कि ये क्या कर रहे हैं, ये ब्लॉगस्पॉट क्या है, तो उनको देख के मैंने अपना क्या नाम है उसका ब्लॉग बना लिया। दूसरा सवाल अंग्रेजी के हवाले से, जाहिर है ब्लॉग लिखने में बहुत सारे लोगों को अंग्रेजी में प्रॉब्लम होती है, आइडियाज बहुत सारे होते हैं, और जब उनको इंसान लिखने के वहां तक डालता है, देखिए 2-3% के लोग एक बोलने में प्रॉब्लम होती है, वो अलग स्टोरी, लिखने में भी प्रॉब्लम होती है, मैं जानता बहुत हूं, मेरा शौक भी है, पैशन है, पैसा मिलता है, बहुत अच्छी बात है कि जिस चीज का शौक है उसको चले जाइए, फाइनेंशियल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मनी में भी ब्रांचेस, लेकिन जब लिखने बैठते हैं तो आइडिया हवा हो जाते हैं, इसलिए उसमें मिस्टेक्स भी होती हैं, वोकैबुलरी भी होती हैं, ग्रामेटिकल भी होती हैं, 500 लफ्ज़ 2500। मैंने आप शुरू में एक बात की थी, मैंने कहा था कि क्या नाम है उसको, मैं आर्टिकल नहीं लिखता था, मैं कॉपी करता था। अच्छा, शुरू में मैंने एक बात की, आप नहीं आए थे शायद, आपने मिस किया। तो जब मैंने आर्टिकल लिखने शुरू किए थे, क्या एक 12 साल का बच्चा, 13 साल का था शायद उस टाइम, हाँ बॉर्न ब्लॉगर जब मैंने स्टार्ट की, तो एक 13 साल का बच्चे को इंग्लिश इतनी आती होगी कि वो एक आर्टिकल लिख सकता है? नहीं आती, और मेरी इंग्लिश इतनी ख़राब थी कि आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। मेरा एक इंटरव्यू हुआ था 2013 के आखिर में, मुझे एक इंटरव्यू किया था एक वेबसाइट ब्लॉग थी, तो आप मुझे फेसबुक में मैसेज करिएगा, मैं आपको लिंक दूंगा, आप वो पढ़ेंगे ना, आप पढ़ पढ़ के हंसेंगे इसकी इंग्लिश किस तरह की थी। तो ये अब चेंज आ गया है या अभी आपने कोई तरीके का कोई जादू की? कोई तरीका नहीं, बस ये है कि मैंने पढ़ना जो सीखता था ना, मैं अपने मेंटर से पढ़ता था ना उनके ब्लॉग्स, और मैं पढ़ता रहता था और लिखता रहता था। यानी कि आइडिया और स्केच हो ही आपके, सिर्फ अल्फाज आपके होते हैं? नहीं, बात ये हो रही कि वो इंग्लिश की बात कर रहे हैं,
कॉपी की बात करें जिस नहीं नहीं कॉपी मैंने ये कि उन्हीं का पूरा आर्टिकल उठा के अच्छा अच्छा शुरुआत यहां से शुरुआत जी जब आपने देखा कि कहीं कहीं तक पहुंच गए फिर उसने आपने उसमें रद्द-बदल करके अपने तौर पे चीजें वो ब्लॉग मेरा गूगल ने आप शुरू में नहीं आया तो वो मेरा ब्लॉग गूगल ने डिलीट कर दिया ओके अगर लेट्स सपोज आपका ब्लॉग है और मैं चाह रहा हूं कि उस ब्लॉग को मैं लिखूं अपने उस पे उसको इंडोर्स करो अंदर से चीजें एक लफ्ज हटाया दूसरा डाला ताकि गूगल उसको पकड़े तो क्या पॉसिबल है मुझसे हो सकता है ना गूगल पकड़ सकता है ना उसका एडमिन पकड़ सकता है ओके लेकिन उस पे आप लोग कैसे लोग अगर ये बंदा है ठीक है ये बंदा है अगर इसको पता चला कि जैसे पता चल रहा है कि ये वेबसाइट पे तो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं अभी तो कचरा है मैं पढूंगा क्या फायदा ओके इस्तेमाल शुदा चीज तो कोई यूज नहीं अगर मैं आपको शर्ट उतार के दे दूं आप पहनेंगे वो मैं एक बात कर रहा हूं इस्तेमाल शुदा चीज है ना इस्तेमाल हो गई फिर भी इसको धोएंगे तो ना कम से कम ऐसे थोड़ी पहन लेंगे सो अगर मैं आपने परफ्यूम इतना अच्छा लगा है धोएंगे ही सो अगर मैं 20% मुख्तलिफ जगह से उठाऊँ 5 जगह से उठाऊँ उसको मैं अपने ब्लॉग पे डाल दूँ कोई दिक्कत कोई मसला नहीं है क्या चीज मतलब हाँ तो मैंने शुरू यही किया ना मेरे जब गूगल ने ब्लॉग डिलीट कर दी तो मैंने ये बताया शुरू में कि मैंने यही किया ब्लॉग्स के लिए अपनी वेबसाइट का होना जरूरी है या आप ब्लॉगस्पॉट पे बना सकते हैं आप ब्लॉगस्पॉट के जमाने चले सीखने के लिए बना सकते हो कि अगर आपको सीखना है तो आप बना लो अर्निंग के हवाले से अर्निंग के और एक प्रोफेशनल वेबसाइट जिस तरह से एक अथॉरिटी के हवाले से की ई-कॉमर्स वगैरह पे भी काम करते हैं नहीं वेबसाइट आज से ही सिर्फ ब्लॉगिंग अगर मैं अपनी वेबसाइट बना के इसके ऊपर अपने ब्लॉग डालूं तो वो बेहतर है या ब्लॉगस्पॉट का बेहतर आप अपनी जो डोमेन और होस्टिंग खरीदेंगे उस पे लिखेंगे वो बेहतर है ऑब्वियसली वो क्यों और ये वो इसलिए कि आप खुद सोचें एक सब डोमेन .blogspot.com और लाखों की तादाद में अब डॉट डोमेन कितने का मिल जाता है 100 रुपए का एक डोमेन मिल जाता है तो आप वो परचेज कोई भी आम आदमी कोई भी परचेज कर सकता है 100 रुपए किसके लिए बड़ी बात है आज 100 रुपए तो पता नहीं चलता हम दिन में कोई 1000 को उड़ा देते हैं 1000-2000 तो ऐसी पत निकल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता 100 रुपए तो कुछ भी नहीं एक ब्लॉग देखिए हमारा पॉइंट होता है कि हम अर्न करें